गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 49वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति का प्राण है। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ जी ने कहा कि दुनिया की श्रेष्ठतम हिंदू संस्कृति, श्रेष्ठतम हिंदू जीवन पद्धति एवं श्रेष्ठतम सामाजिक व्यवस्था में जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना और छुआछूत एक कोण है। मुख्य वक्ता जनजाति सुरक्षा मंत्र के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. हर्ष सिंह चौहान ने कहा कि देश की सभी समस्याओं के समाधान का मूल सामाजिक समरसता में निहित है। हम उस आध्यात्मिक संस्कृति के वारिस हैं जिसने कण कण में परमात्मा का वास तथा सभी प्राणियों में उसी परमात्मा का अंश माना है। ऐसे में जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद सहित नारी पुरुष, अमीर गरीब, ऊंच नीच जैसे भेदभाव हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकते। हम समरसता की शिक्षा परिवार से ही सीखते हैं। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास ने कहा कि छुआछूत मिटाओ और देश बचाओ का मंत्र फूंकना होगा। छुआछूत की भावना और धार्मिक संकीर्णता से हिंदू समाज कमजोर होता है, राष्ट्र कमजोर होता है। सामाजिक समरसता को व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनाना होगा और सामाजिक समरसता अभियान के लिए शिक्षण संस्थाओं को आगे आना होगा। विशिष्ट वक्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के शिक्षा शास्त्र विभाग की प्रोफेसर शोभा गौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आधुनिक भारत के निर्माण हेतु आवश्यक है समरसता अथवा छुआछूत विहीन समाज की रचना। गुरु गोरखनाथ ने छुआछूत के खिलाफ हजारों वर्ष पहले सामाजिक क्रांति का उद्घोष किया था। अध्यक्षता कर रहे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि हिंदू समाज को अपने व्यवहार से ये सिद्ध करना होगा कि हम दुनिया के श्रेष्ठतम समाज की पुनर्स्थापना में सक्षम है। समारोह का शुभारम्भ ब्रह्मलीन महाराज जी को पुष्पांजलि, वैदिक मंगलाचरण एवं गोरक्षाष्टक पाठ के साथ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिंह एवं प्रधानाचार्य श्रीमती अनु श्रीवास्तव एवं प्रधानाचार्य श्री संदीप कुमार एवं शिक्षकों ने माल्यार्पण के साथ अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। ऐसे अनेक कारणों से समाज में ये लोग उपेक्षित होते चले हैं, जिसके कारण सामाजिक समरसता का अभाव होता गया। जातिगत विसंगतियां ही हैं जो सामाजिक समरसता के अभाव का कारण बनती है। कैसे विडंबना है कि एक निजी जाति का व्यक्ति मंदिर निर्माण में नींव खोदने से लेकर मंदिर का साज सज्जा करता है, भेदभाव की बात नहीं की गई है। वेद हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, प्राचीन एवं आधारभूत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं। वेदों में जाति का आधार कभी नहीं बनाया गया। यहां पर सभी चार वर्णों को आर्य माना गया है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमने वेदों की इन शिक्षाओं को भूलकर हम जन आधारित वाली जातियां उनके साथ भेदभाव हम करने लगे हैं। हमारा व्यवहार उनके लिए बदलने लगा है। सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बनी थी उन व्यवस्थाओं में दरार पड़ने लगी, अनेक विकृतियां आने लगी, जिससे अनेक कुप्रथाओं ने जन्म लिया। इन कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के कारण जातिगत भेदभाव, छुआछूत आदि प्रवृत्ति बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग का उदय हुआ। उसमें ऐसा होने लगा कि इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते तक वो परेशान हो गए।
के कर्म मनाया जाते हैं। पहले बुद्धिमान आ गया, फिर पूरा अनासक्त जीवन यापन करना और अभ्यास, क्या अभ्यास करना है न ध्यान को अभ्यास करना है, बार बार ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मन को स्थिर करने के लिए, मन में समरसता लाने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कीर्तन करने से मन में समरसता, चंचलता, चंचलता दूर नहीं होगी, मन में साम्य अवस्था स्थापित नहीं होगा। कीर्तन दर्शन करने से, दान दक्षिणा करने से, याग यज्ञ करने से मन में स्थिरता नहीं आएगी, मन में स्थिरता आएगी केवल ध्यान से। चुपचाप बैठकर और ध्यान करो, ध्यान ही एकमात्र उपाय है जिससे मन में जितना विकार है, काम क्रोध आदि विकार है, राग द्वेष आदि विकार है, ये विकार को हम दूर कर सकते हैं और मन में समरसता स्थापित कर सकते हैं। तो मन में समरसता आने से समाज में हम लोग समरसता स्थापन कर सकते हैं। तो मुझे याद आया ध्यान में बैठने के समय, बहुत दिन पहले मैंने पुरुष सूक्त पढ़ा था, आजकल लोग नहीं पढ़ता, अभ्यास नहीं है, मेरे मन में एक आया है कि याद आया, हाँ पुरुष सूक्त में है क्या, ब्राह्मणानां उपमासे बाहुराजन्यकृतः गुरुतद्वैष्यः पद्म्यां शूद्र अजायतः। ब्राह्मणानां उपमासे, ब्राह्मण वंश क्षेत्र शूद्र के चार वर्ण जो है हमारे हिंदू धर्म में, यदि हिंदू धर्म को एक मकान कल्पना करेंगे, ये मकान का चार खंभे, सोलह खंभे है, ये सोलह खंभे क्या है, चार वेद है, चार वर्ण है, चार आश्रम है, चार पुरुषार्थ है। चार वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वशीर्ष, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, उस पूर्वांचल में, उत्तर पूर्वांचल में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ मणिपुर नागालैंड इत्यादि इलाका में आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको नेपाल जाने से लिए आपको कोई पासपोर्ट आवश्यकता नहीं है, नेपाल का दूसरा कंट्री है, लेकिन आपको मेघालय जाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए, मिजोरम जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट नहीं है उसको बोलते हैं परमिशन, वहाँ पुलिस कमिश्नर जो है वो आपको परमिशन देगा, कितना दिन जाएंगे, कितना दिन रहेंगे, क्यों जा रहे हैं, ये जैसे विदेश जाने से जैसे सब देना पड़ता है वहाँ भी देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतना क्रिश्चियन है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तीन कंट्री, तीन राज्य हैं, ये तीन राज्यों में 99% क्रिश्चियन है, गाँव गाँव में चर्च है, गली गली में चर्च है। एक बार मैं गया था वहाँ सिलम, मेघालय की राजधानी सिलम, बड़े महाराजी साथ में थे, बहुत दिन पहले का बात है, प्राय 20-25 साल पहले का बात है, वहाँ मेघालय में जो सिलम है, सिलम में कुछ हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ हिंदुओं का कुछ मंदिर है, तो हम लोग मंदिर में गए थे, तो मंदिर में कीर्तन चल रहा था, तो उस हटा कीर्तन बंद कर दिया, वो लोगों ने बंद कर दिया, तो हम लोगों ने पूछा कीर्तन क्यों बंद कर दिया, मैं चर्च में बेल हो गया, चर्च में वो लोग प्रार्थना करेंगे, ईसाई लोग प्रार्थना करेंगे, उस समय हम कीर्तन नहीं कर सकते, वहाँ हिंदू मात्र 1% हिंदू है, तो वहाँ कन्वर्सन सब कन्वर्टेड हो गए, वहाँ का जो लिपि है, वहाँ का भाषा, मेघालय का भाषा खासिया भाषा है, खासी भाषा है, और मेघालय का जो लिपि है अंग्रेजी लिपि है, ABCD जो लिपि है, तो वो लोग जैसे वहाँ जाने से आपको मालूम हो जैसे हम विदेश में है, तो ये ऐसे वहाँ कन्वर्सन रोज चलता है, तो वहाँ विदेश, ये तो आसाम और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश बॉर्डर है, बांग्लादेश से बहुत लोग भारत को आ गए हैं, इतने लोग आ गए, हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, हिंदू जो आए हैं वो रिफ्यूजी है, हिंदुओं का घर जो